देश दुनिया में जापनीज अपनी हेल्थ, वेल्थ, स्टडीज, सक्सेस इन सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए जाने जाते हैं। यानी कि जापनीज ने अपने जीवन में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को उतारा जिससे कि वो लाइफ में उन्नति कर पाए, अच्छे स्वास्थ्य को पा पाए और लॉन्ग लाइफ यानी कि लंबी उम्र को वो लोग जीते हैं। ऐसे ही कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो जापनीज को बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। आज मैं बात करने जा रही हूं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो हमको केन होंडा ने दिया। केन होंडा ने मनी अट्रैक्शन के लिए काफी सारी चीजें कही। तो हैप्पी मनी बुक में उन्होंने केन होंडा ने ऐसी क्या चीजें कही जिससे कि आप उनको अपनाकर मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मनी से रिलेटेड जो आपके वूंड्स हैं उनको आप खुद ही हील कर सकते हैं। यानी कि ऐसे कौन से ब्लॉकेजेस हैं जो पैसे को आपके पास आने नहीं देते और उनको आप कैसे आसानी से हील करके मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसा हमको केन होंडा ने हैप्पी मनी में बताया। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं केन होंडा की बात को ही आगे बढ़ाते हुए आपको बताने जा रही हूं वो कौन सी चीजें हैं जिससे कि आप खुद मनी से रिलेटेड आपकी जो निगेटिव बिलीव्स हैं, थॉट्स हैं, उनको हील कर सकते हैं। और जैसे ही वो हील होंगे आप खुद मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मनी को अपने पास लाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम ही उसको बड़ा सोच कर बैठे हुए हैं। हम सोच कर बैठे हुए हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, यही हमारा ब्लॉकेज है। तो कैसे इन ब्लॉकेजेस को हटा सकते हैं, केन होंडा ने हमको काफी सारी चीजें बताई। उनमें से दो तीन चीजें ही मैं आपको बताऊंगी। केन होंडा ने हमको बताया कि 2013 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ। उस रिसर्च में ये चीजें सामने आई कि एक बच्चा 7 साल की एज तक ही मनी से रिलेटेड या किसी भी बात से रिलेटेड अपने लिए बिलीव्स बना लेता है। बहुत छोटी सी उम्र होती है 7 साल की। 7 साल की एज पे ही एक बच्चा अपने विचारों को बना लेता है। अब 7 साल की एज इतना छोटी होती है जिसमें सही और गलत एनालाइज करना एक बच्चे को नहीं आता। तो यानी कि बचपन में उसने क्या देखा उसने उसी को सच मान लिया और पूरा जीवन वो उन्हीं चीजों को लेकर फिर चलता चला जाता है। अगर बचपन में उसने 7 साल की एज तक उसने निगेटिव बिलीव्स पैसों को लेकर बना लिए हैं तो डेफिनेटली वो बिलीव्स उसके जीवन को भी असर डालेंगे आगे और जीवन भर वो उसको कैरी करता रहेगा। तो यानी कि बचपन में आपने क्या देखा क्या सुना उसी चीज का असर आपके पूरे जीवन पे पड़ता है। तो कैसे इन बिलीव्स को आप मिटा सकते हैं जो बचपन में आपके अंदर छप गए हैं। जैसे कि अगर आपने बच्चे बचपन में ही जब आप बहुत छोटे हैं उसी समय पे आपने अगर ये देखा कि आपके पेरेंट्स पैसा कमाने की वजह से आपके ऊपर ध्यान नहीं देते, आपको समय नहीं दे पाते, बस पैसा ही कमाने में लगे रहते हैं, तो आपके छोटे से मन पे एक असर पड़ गया कि पैसा खराब चीज है। पैसे की वजह से आपके फादर आपके मदर आपको समय नहीं दे पाते और आप इग्नोर्ड फील करते हैं, अलोन फील करते हैं। तो पैसे को लेकर आपने क्या रिलेशन बना लिया कि पैसा खराब चीज है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी धारणाएं होती हैं जो बचपन में ही हमारे मन में बन जाती हैं जो आजीवन हमारे ऊपर असर डालती है। तो क्या करना है हमको, इन धारणाओं को मिटाना हमारे लिए बहुत जरूरी है जो बचपन से हमारे सीड की तरह हमारे जीवन में पड़ गई हैं। यही चीजें हमको केन होंडा ने बताई कैसे आप हटा सकते हैं। सबसे पहली चीज, ग्रेटिट्यूड दिखाइए उन सभी बिल्स के लिए जो आपके पास आते हैं। यानी कि ग्रैटिट्यूड तो आपको हर चीजों का दिखाना है, वैसे भी ग्रैटिट्यूड का तो जीवन में कोई तोड़ ही नहीं है। हर चीज में आपको एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड तो रखना ही रखना है कि आपको आभार व्यक्त करते रहना है। मगर खास तौर पे अगर आप पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो जितने भी आपके बिल्स आते हैं ना उनके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाना शुरू कर दो। क्योंकि जब पैसा जा रहा होता है ना तो बहुत खराब फीलिंग के साथ ही हम उस पैसे को भेजते हैं जो कि बहुत ही गलत बात है।
आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, आपका वाटर बिल हो, आपका ग्रोसरी का बिल हो, या किसी और चीज का, गैस का बिल हो, किसी भी चीज का बिल जब हम पे करते हैं ना, तो हमेशा कोसते हुए उफ़ो इतनी बिजली तो इस्तेमाल भी नहीं की, इतना बिल आ गया, पानी का भी इतना ज्यादा बिल आ रहा है, दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, मतलब सारे निगेटिव थॉट्स के साथ ही उस बिल को हम पे करते हैं। तो ये हैप्पी मनी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यानी वो जो बिल आप भेजेंगे, जो पैसा जाएगा बहुत सारे लोगों के पास, आपने वाइब्रेशंस क्या भेजी, निगेटिव थॉट्स की, निगेटिव बिलीव्स की, जेलसी की, स्ट्रेस की, मतलब जितने तरह के निगेटिव इमोशंस आपके अंदर आए, उतने सारे निगेटिव इमोशंस आपने उस पैसे के साथ भेज दिए। अब वो पैसा जहां जहां जा रहा है सब में वही वाइब्रेशंस निगेटिव फैला रहा है। जाहिर सी बात है, जो देते हैं वही रिफ्लेक्ट भी होता है। तो जब आपने निगेटिव वाइब्रेशंस भेज दी हैं, तो निगेटिव वाइब्रेशंस ही आप रिसीव करेंगे, यानी कि हैप्पी मनी तो आप भी रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजनी है। ग्रेटिट्यूड, भाई बिजली का बिल आया है, लेकिन उस बिल के साथ हमको कितनी सारी सुविधाएं हमने महीने भर देखी या हमने उनको उपयोग किया, वो तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। अगर ये बिजली का बिल या बिजली नहीं होती, लाइट नहीं होती, तो तपती गर्मी में आपको एसी कहां से चल जाता, आप रात में अंधेरे में काम करते, तो आपको सुविधाएं कितनी सारी मिली, पानी नहीं होता तो आप क्या पीते। तो यानी ये बिल तब आया जब आपको उसके बदले में बहुत सारी सुविधाएं दी, लेकिन उस पैसे के आगे आपने वो सारी सुविधाएं भुला दी और याद आया आपको तो सिर्फ ये कि बिल ज्यादा है। इस एटीट्यूड को पूरी तरह से बदल डालो। अगर पैसे को अट्रैक्ट करना है तो बिल्स को देखकर घबराओ नहीं, हाँ ठीक है, थैंक यू तुमने मुझे लाइट दी, तुमने मुझे इतना आसान मेरे जीवन को बना दिया, थैंक यू मनी, आई लव यू, अरे गेटो अपनाओ इसमें भी। जब पैसा जा रहा है तब भी थैंक यू बोल के प्यार करके उसको भेजो कि जाओ तुमने मुझे इतनी सारी सुविधाएं दी, बहुत जल्दी से जाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे पास फिर से वापस आ जाना। तो इस फॉर्मूले को जीवन में उतार लो। तो ये है आपका पहला फॉर्मूला मनी से रिलेटेड, जो आपके वूंड्स हैं उनको हील करने का, जो आपके निगेटिव बिलीव्स हैं उनको हील करने का। अगर अब तक नहीं किया है तो अब इस फॉर्मूले को जरूर अपना लें। पैसा भेजते वक्त कभी भी खराब फीलिंग्स के साथ, खराब इमोशंस के साथ नहीं भेजेंगे। हमेशा याद रखना, जो भेजोगे वही रिफ्लेक्ट होके आपके पास आएगा। तो क्या भेजना है अभी आपके ऊपर डिपेंड है। अगर पैसा चाहिए, खुशियां चाहिए, तो खुशियों के साथ ही पैसा भेजो, खुशियों के साथ ही पैसा आपके पास आएगा। तो ये है पहला सीक्रेट फॉर्मूला जो केन होंडा ने दिया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा खास फॉर्मूला है वो ये कि पैसे को लेकर ना आपके मन में कैसी छवि बनती है। यानी जब भी पैसे को लेकर आपका थॉट आता है तो एक इमेजिनरी जो तस्वीर है वो कैसी बनती है। कभी आपने सोचा है कि पैसा, आंख बंद करो तो आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट क्या आएगा, पैसा यानी फियर। सबसे पहले आपके दिमाग में फियर आ जाएगा, ओफो सेविंग्स कर लो, पैसे को सेव करके रखना बहुत जरूरी है, पैसा बचा के चलना बहुत जरूरी है, फ्यूचर के लिए पैसा पास में होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। तो यानी फियर जुड़ा हुआ है पैसे के साथ में, पैसे के साथ में एंगर भी जुड़ा हुआ है, पैसे के साथ में स्ट्रेस भी जुड़ा हुआ है, कमाना है कमाना है, अगर नहीं किया, इतनी इनकम नहीं हुई तो कैसे काम चलेगा। यानी सारे निगेटिव इमोशंस, जितनी भी इमेजेस आपके दिमाग में बनेंगी ना, सारी निगेटिव ही ज्यादातर बनेंगी। यानी कि पैसे को लेकर आपके मन में जो छवि है वो निगेटिव ज्यादा होगी। इसी छवि को चेंज करना है। कैसे चेंज होगी ये छवि, जब आप पॉजिटिव चीजों को सोचना शुरू करेंगे। जब आप पॉजिटिव चीजों को सोचना शुरू करेंगे, यानी मनी से रिलेटेड जब भी आप बात कर रहे हैं तो आपको नेगेटिव वर्ड्स की जगह पॉजिटिव लैंग्वेज, पॉजिटिव वर्ड्स को इस्तेमाल करना है। जितना ज्यादा पॉजिटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज्यादा मनी के साथ में पॉजिटिविटी आप जोड़ रहे होंगे। पैसे को किसी की बुरी नजर ना लग जाए, पैसा सेव कर लो, पैसा इस हाथ आता है इस हाथ जाता है, ये सब जो धारणाएं है ना, हमने ही बना ली है अपने मन में, इनको बसा लिया है, जो कि पूरी तरह नेगेटिव है। ऐसा नहीं है पैसा आता है जाता है, पैसा सारी सुविधाएं भी
हमको देता है, लेकिन हम वो सारी चीजें भूल जाते हैं कि पैसे ने हमको क्या क्या दिया, और फिर उसके बाद वो कहीं और जा रहा है, कहीं और जो जा रहा है तब भी आपको कुछ ना कुछ देकर ही जा रहा होगा। तो हमने अपनी सोच ऐसी बना ली है कि पैसे को सुरक्षित रख लो, पैसे को दबा के रख लो, छोड़ दो इन सारी चीजों को। पैसे को सुरक्षित रखना जरूरी है, सोच समझ के इस्तेमाल करना जरूरी है, फ्यूचर के लिए बचाना भी जरूरी है, लेकिन डर के साथ नहीं, प्यार के साथ, खुशी के साथ। तो पैसे को लेकर अपनी धारणाएं आपको बदलनी है। दूसरा फॉर्मूला कहता है अपने लैंग्वेज और वर्ड्स को पॉजिटिव कर लो। पैसे के साथ फियर को हटा दो, पैसे के साथ स्ट्रेस को हटा दो, जुड़ी हुई जो स्ट्रेस है ना उसको हटा दो। काम नहीं करूंगा तो पैसा कहां से आएगा, पैसा कमाना है, ये सारी निगेटिव हटा दो चीजें। याद क्या रखो, पैसे से मुझे हैप्पीनेस मिलती है, पैसा मुझे खुशी देता है, पैसे की वजह से आज मैं एक लैविश लाइफ को जी पा रही हूं। ठीक है, तो पैसे के साथ में जितनी भी निगेटिव धारणाएं आपकी हो उन सबको हटा दो, केवल पॉजिटिव चीजों को याद रखो। तो ये है दूसरा फॉर्मूला। पैसे को अगर अट्रैक्ट करना है तो पॉजिटिविटी की तरफ कदम आपको बढ़ाना ही होगा। तीसरा सीक्रेट फॉर्मूला जो केन होंडा ने दिया वो ये कि पैसे को लेकर ना ये सोचना बंद कर दो कि पैसा कितना मिलेगा, कैसा आएगा, बल्कि आप उस पैसे के बदले आप क्या दे रहे हो उस पे फोकस करो। जैसे कि जब आप कोई नया जॉब ढूंढने जाते हैं ना, तो आपके अंदर क्या होता है, सबसे बड़ा थॉट क्या होता है, सबसे बड़ा थॉट ये होता है कितना पैकेज मिलेगा, इतना पैकेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर इतना पैकेज मिलेगा तो मैं ये जॉब करूंगा। इस चीज को साइड कर दो और सोचो अगर मुझे ये जॉब मिल गया तो मैं क्या क्या करूंगा, मैं जो एफर्ट्स लगाऊंगा उससे दूसरे को क्या फायदा होगा, मैं जो एफर्ट्स लगाऊंगा इससे पूरे समाज को क्या फायदा होगा। मैंने कोई नया बिजनेस खोला तो सबका थॉट क्या होता है कि कितना अर्निंग हो रही है, कितना हम कमा रहे हैं, सारा फोकस इसी पे रहता है कितना हम कमा रहे हैं। कभी आपने ये सोचा कि जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं उस चीज से आप समाज पे क्या फायदा हो रहा है, समाज पे क्या असर जा रहा है, दूसरे व्यक्ति का क्या भला इससे हो पा रहा है। अगर आज तक नहीं सोचा तो अब सोचिए। जैसे कि हम रेकी और मनी रेकी भी करते हैं तो सबका फोकस किस चीज पे होता है कि क्या मनी रेकी करने से तुरंत पैसा अट्रैक्ट होने लगेगा, क्या रेकी करने से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, यानी कि पूरा फोकस क्या मिलेगा आपको आप उस पे रखते हैं। आपको फोकस किस पे रखना है कि आप क्या क्या कर पाएंगे उससे। जिस दिन आप इस बात पे फोकस करना सीख गए कि आप क्या क्या कर पाएंगे, समझ लीजिए पैसा उसी दिन आपके पास आना शुरू हो जाएगा। तो ये है बहुत बड़ी सी बात जिसको समझना जरूरी है। इसमें से फोकस हटा दीजिए कि बिजनेस में कितना कमाएंगे, आपके एफर्ट से किसी को क्या फायदा हो रहा है जरा सोच कर देखिए। जैसे ही आप इन चीजों को सोचने लगेंगे तो ये है दो तीन चीजें जो बहुत गहरी है, जो मनी से रिलेटेड हमारे थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं। और जिस दिन आप रिप्लेस कर देंगे उसी दिन से आप मनी को अट्रैक्ट करना सीख जाएंगे। तो ये है साथियों बहुत ही फेमस जैपनीज टेक्निक कि कैसे आप मनी से रिलेटेड अपने वुंड्स को हील कर सकते हैं और पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। केन होंडा ने काफी विस्तृत तरीके से इनको समझाया। अगर वीडियो में तो छोटा सा पार्ट मैंने आपको बताया है, पढ़ सकते हैं तो बुक पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है, बहुत सारी चीजें आपको उसमें ऐसी मिलेंगी जो मनी से रिलेटेड आपकी सोच को ही बदल देगी पूरी तरह। तो साथियों मैं शालिनी अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक प्यार भरा नमस्कार।